मैं अवनी रूट गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है कि हम डॉग फ्लावर्स के जो सीड्स होते हैं उन्हें कैसे कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट विंटर सीजन में इसके नए प्लांट्स बनाने के लिए। उसके सीड्स बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं, तो हम इस एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सीड पॉट्स रेडी हो गए हैं। अभी अप्रैल शुरू है और काफ़ी सीड्स है जो मैंने ले लिए थे यहाँ से। ये सब मार्च एंड में पूरी तरह से सूख गए थे। देखिए, ये फ्लावर है वो अभी मुरझाया है। इसमें भी सीड पॉट बन जाएंगे। अभी एकल दो कल फ्लावर आ रहे हैं, तो ये सही टाइम है। आप भी इसके सीड्स इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ से इसको कट कर लेना है, और ये जो पूरा है ऊपर सब जगह फ्लावर्स जो स्पेंट हो हुए फ्लावर्स के जो सीड पॉट बन गए हैं उसमें बहुत सारे सीड्स आपको मिल जाएंगे। और ये एक सीड पॉट में से आप कई सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बताती हूँ किस तरह से इसमें से सीड्स निकालते हैं। देखिए, सिंपल है। इस तरह से सीड पॉट को आप ले लीजिए और हाथ से थोड़ा सा प्रेस करने पर अंदर से देखिए कितनी आसानी से इसके सीड्स निकलने लगे हैं। ये सब इसके सीड्स है, आप देख सकते हैं कितने बारीक सीड्स हैं। ये देखिए, ये सभी सीड पॉट्स में से कितने सारे सीड्स निकलेंगे और कितने सारे प्लांट्स रेडी होंगे। इस सभी सीड्स को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इसको डायरेक्ट एयर ना लगे। इसको मैं नेक्स्ट अगस्त या सितंबर में ग्रो करूँगी। इसको हम अगस्त सितंबर में ग्रो करेंगे तो विंटर में इसमें से हमें प्लांट्स अच्छे से मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके सीड्स बहुत बारीक होते हैं, तो इसे अच्छे से संभाल के रखिए जिससे कि ये इधर उधर गिर ना जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी हवा लगने पर भी उड़ जाएंगे। इतने बारीक और हल्के रहते हैं इसके सीड्स। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से इसकी जो ड्राई लीव्स है वो निकाल कर आपको बताऊँगी कितने बारीक सीड्स है। देखिए, ये सभी इसके सीड्स है। देखिए, है ना बारीक। देखिए, इस सीड्स को हम अभी इस ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर ड्राई और ड्राई हो और एयर ना लगे। मैं इस तरह से लॉक बैग में संभाल कर रख रही हूँ। देखिए, ये मैंने मार्च में कलेक्ट किए हुए सीड्स थे। इस तरह से टेक कर दीजिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस चीज़ के सीड्स है। और फिर इसको कोई भी ड्राई प्लेस पर रख दीजिए, तो आपको नेक्स्ट अगस्त सितंबर में ये लगाने पर बहुत सारे प्लांट्स इस तरह से मिल जाएंगे। इस प्लांट को भी आप कोई भी शेड में रख दीजिए। अभी समर में मैंने इसको नेट के नीचे रख दिया है। अभी एक कल दो कल फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी तो मेरा टारगेट यही है कि इस प्लांट को नेक्स्ट विंटर तक बचा के रखना है। और फिर दूसरे ये जो सीड्स है इसको भी मैं ग्रो करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, तो आप भी इस तरह से सीड्स कलेक्ट कर लीजिए। एक और बात, डॉग फ्लावर प्लांट केयर पर भी मैंने वीडियो डाला है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो वो भी आपको यूज़फुल बनेगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।